औरैया जिले के बिदुना तहसील के थाना इरवा कटरा के उरमैन कस्बे में हुए बवाल की हकीकत सामने आई है। बता दी युवती जब परिजनों के साथ रात्रि में घर के अंदर सो रही थी, उसी दौरान दबंग घर में घुस गया और उसने युवती के साथ हरकतें की। उस दौरान जब युवती चिल्लाने लगी तो उसने जानलेवा हमला किया, युवती उसके माता पिता पर हमला हुआ। बता दें घर में युवती के बगल में उसके माता पिता और छोटा भाई साथ में सोए हुए थे। युवती ने घायलावस्था में उपचार के दौरान कस्बे के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बुरी नीयत से रात में दबंग घर में घुसाया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घायलों को पुलिस ने सीएससी इरवा कटरा में उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सैफई रेफर किया। थाना अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने कहा, तहरीर मिलते ही अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आप सुन सकते हैं पीड़ित की कहानी उसी की जुबान। हम लेटे थे, वो रात को आया, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने चिल्लाया, फिर पापा चल गए, वो भाग गया। इनके घर पे गए सुबह, कान पापा को मारा, हमें मारा। तो उससे पहले भी कभी परेशान किया तुमने? कल अपने आप आया? मतलब बगल में उसका प्लाट है। तो पहले भी आता जाता था कभी? मेरा लड़का ऐसे ही गुंडागर्दी करेगा जब तक मेरो है जिंदा, भाई तो सब लड़ाई मार कूट करते ही। ये लड़की अलग लेटती है, आप अलग लेटते हैं? अच्छा, तो आपको जानकारी कैसे हुई थी? जानकारी का जी, हम खटिया ती रही थी, डर में लायक दो ने तो जाने एकदम मिलना नहीं, मम्मी देखो जो खो है मेरे वहाँ तो यहाँ चलो हुए, तो हमने देखो हमने ना जवाब जाए ना, जब जे उठे तब कान गए, तब जा ऐसी नौबत कर दी हमारे लोगों के सामने। अब रात के 12-1 बजे करीब ये लड़का विनोद का सौरभ गौरव नाम है, तब जो आया है तो मेरी लड़की के हाथ फाथ पकड़ा, कुछ भी करो मान लो, तो हम लोगों ने जानी तो ये भाग गया। तो चलो हमने शांत रहे, भैया कोई बात नहीं है, इसके घर पे कान गए हमने, भैया अपने बच्चे समझाएंगे। तो नेक देर बाद भैया विनोद और उसका लड़का सौरभ और लाठी और एक टकोरा लेके आया कि अगर तूने भब्बर मचाया सारे तुझे जान से मार देंगे। एकदम मारा पीटी करने लगे और लोग आइए महाराज के नहीं माने, हमें अति अति साहब बहुत मराई रही साहब, टकोरा जू मार दो, एक जू मार दो। और जब उसकी फिर माँ भी आ गई उसकी, फिर तो भैया कहा बताए बहुत है मार हुए। रिपोर्ट तेजस खबर।